खुदा के बंदो हम लोगों ने क्या किया, जिसने जिन्हें की उन लोगों बना, हम लोगों नहीं बना। जहीर और शब्बीर मरकजी मुलजिम होने के बावजूद जमानत पर रहा और पेशी पर अदालत से गैर हाजिर क्यों? आखिर जहीर और शब्बीर को किसकी पुष्पनाई हासिल है? बकौल जुनैरा माहम के, अहीर की फैमिली गरीब घराने से ताल्लुक रखती है तो इस केस को लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? जहीर और शब्बीर को अदालत से 17 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिली हुई है, जबकि केस के वो मुलजिमान जिन्होंने निकाह करवाया और गवाहान में शामिल थे वो पिछले 2 माह से जेल में हैं और रोजाना की बुनियाद पर पेशियाँ भुगत रहे हैं। इन्हें हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया जाता है, इसके बरक्स जहीर और शब्बी जो केस के मरकजी मुलजिम हैं, इन्हें इतना प्रोटोकॉल किस वजह से दिया जा रहा है? ना वो जेल में कैद हैं, ना इन्हें हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, बल्कि वो एसी वाली गाड़ी में आते और जाते हैं। ये सारे शिकवे शिकायत केस के दीगर मुलजिमान की जानिब से दौरान गुफ्तगु किए गए, जब इन मुलजिमान को आज अदालत में हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। आप लोगों का क्या जुर्म है? जुर्म क्या किया? निकाह पढ़ाया, आप लोगों ने गवाही दी है, क्या मसला क्या है आप लोगों का, क्यों इस तरह किया हुआ? सर अभी ये हम अपना बयान जज साहब के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे बस। तो मिलने के लिए कोई आता है आप लोगों से, मुलाकात करने के लिए आता है? आप तो बहुत दूर से हैं, ये डायरेक्ट कराची से आपका ताल्लुक नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तुम लोग जेल में भी तंग है, तुम लोग हम लोगों का नहीं दिमाग खराब करो। खुदा के बंदो हम लोगों ने क्या किया, जिसने जिन्हें की उन लोगों बना, हम लोगों नहीं बना। हम लोगों जैसी बाप मरते हैं, लोगों को मार देना। इसमें ये आप लोगों को ये नहीं पता था कि बच्ची छोटी है, उसका निकाह पढ़ाया, गवाही भी दी, तो हम लोग सर कस्टडी में हैं।